अभी भी ये सारी बातें मुझे सपना लग रही है। ऐसा लग रहा है कि मैंने अभी भी प्लेन से सफ़र नहीं किया, मैं अभी सपनों की दुनिया में हूँ। और ऐसे ही मुझे लग रहा है कि लाइफ में ऐसे ही आगे बढ़ना है, बादलों के साथ तरह ऊपर ऊपर जाना है, लाइफ में ऐसे ही आगे बढ़ते रहना है। और बहुत बहुत सारे सपने ऐसे हैं कि जो पूरे नहीं हो सके, मेरे मेरी फैमिली के, माधुरी के, वो सारे सपने मुझे जल्द से जल्द पूरे करने हैं। आपको पता ही है वो क्या क्या सपने हैं। हाय गाइस, आज मेरा लास्ट डे है दिल्ली में और मैं जा रहा हूँ आज दिल्ली घूमने। ज़्यादा दिल्ली नहीं घूमूँगा और ये लास्ट व्लॉग होगा। दिल्ली में अभी कुछ ठिकानों पे जाके विजिट दूँगा, देखता हूँ उसका व्लॉग किस तरह बनाऊँगा। चलो फिर चलते हैं। देखो मैं तैयार हो गया हूँ, तैयार होके अब जाते हैं। इधर दिल्ली में नियरेस्ट जो प्लेस है वो मैं विजिट करने वाला हूँ और कुछ शॉपिंग भी करनी है, तो झटपट से जाते हैं। अभी बहुत देर हो गया मुझे, 2 बज गए, इधर टाइम पास कर रहा था तुम पे तो बहुत देर हो गई, तो मैं झट से अभी चलता हूँ, तो मिलते हैं बाद में। दिल्ली में बहुत गर्मी है इसलिए नींबू पानी पी रहा हूँ। तो मैं यहाँ इंडिया गेट पे हूँ, अब
आपको आपने देखा ही होगा इंडिया गेट, दिल्ली में बहुत गर्मी है इसीलिए मैं नींबू पानी पिया और इधर नींबू पानी का सिस्टम ज़रा अलग है इसलिए मैंने थोड़ा शूट किया है। इस वीडियो में मैं ज़्यादा बोलने वाला नहीं, अभी मैं सरोजिनी मार्केट जा रहा हूँ, उधर से कुछ शॉपिंग करूँगा और फिर घर चला जाऊँगा। तो चलिए मिलते हैं सरोजिनी मार्केट। तो गाइस यही थे मेरे 2-3 दिन जो मैंने दिल्ली में गुजारे हैं। सरोजिनी मार्केट वाली घूम के आए, उधर बहुत भीड़ थी, ज़्यादा शूट नहीं कर पाए, जितना हो सका उतना शूट किया। दिल्ली में 100 रुपये में जींस मिलती है, बहुत कम रेट है। और मुझे एक फ़र्क आया मेट्रो सिटी में, जैसे मुंबई और दिल्ली में क्या फ़र्क है मैं आपको बताता हूँ। इधर फैशन का बहुत फ़र्क है, फैशन मतलब मुंबई में जो फैशन है जो वो दिल्ली में नहीं है, और दिल्ली में जो फैशन है वो मुंबई में नहीं है। इसीलिए अगर कोई मुंबई का रहने वाला हो तो प्लीज़ दिल्ली जाइए, उधर सरोजिनी मार्केट है, वहाँ पे आप देखिए आपको जो मुंबई में नहीं मिलेगा वो वहाँ मिल जाएगा, और जो मुंबई में नहीं मतलब जो मुंबई में मिलता है वो वहाँ नहीं मिलेगा। मतलब मतलब मुंबई और दिल्ली में अलग अलग फैशन है, इतना मुझे अंदाज़ा आ गया इससे। मतलब आप देखिए, आपको मैंने अभी जीन्स का भी थोड़ा वीडियो को शूट किया है, आप जीन्स के वीडियो मतलब जो वीडियो शूट किया है मैंने जीन्स का वो भी आप देख लिए। मुझे मुंबई में ऐसे जीन्स नहीं मिले, मैंने अभी उधर से 2-3 जीन्स ले लिए, माधुरी को पसंद आए, मैंने वीडियो कॉल किया था। अभी आपने क्या क्या देखा, एक तो लाल किला देखा, लाल किला में अंदर नहीं गया क्योंकि संडे का दिन है, तो संडे के दिन मैं दरवाज़ा बंद करता हूँ, दरवाज़ा ओपन ही है मेरे के रूम। अगर आप घूमना चाहते हैं तो संडे के दिन मत आना, क्योंकि संडे के दिन इतनी भीड़ रहती है कि आपको कुछ मतलब बहुत भीड़ की वजह से बहुत परेशानी होती है कुछ लेना हो तो। मुझे लाल किला अंदर से देखना था पर अभी बहुत भीड़ थी, टिकट रहता है, मैंने शूट भी किया है, आपने देखा ही होगा मैंने टिकट कितना है वो सब मैंने शूट किया है, पर मैंने कुछ बोला नहीं उधर, बहुत भीड़ थी। माधुरी रहती तो बिंदास बोल देती है सब बातें, तो आप जाइए जरूर, पर आप संडे के दिन मत जाना क्योंकि अभी मैं और एक बात अगर आप जाओगे किधर भी तो ऑटो से मत जाना, ऑटो से अभी मैं ना पहले इधर था मतलब पहाड़गंज में रुका हूँ मैं, वहाँ से
कनॉट पैलेस, कनॉट प्लेस 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है। तो 1.5 किलोमीटर की दूरी का उन्होंने मेरे से मतलब द लली होटल में रुका था ना, तो मुझे 70 रुपीज़ चार्ज हुआ। ऑटो वाले अपनी मनमानी करते रहते, दिल्ली का ये यही है, अब जो मन में आया वो चार्ज लगा दिया, ऐसा करते हैं। उससे तो अच्छा आप उबेर बुक कर लो, उबेर से आपको बहुत सारे पैसे बच जाते। अभी मैं इधर गया था सरोजिनी मार्केट, उधर से मैं पहाड़गंज मतलब पहाड़गंज जहाँ मैंने होटल बुक किया है वहाँ पे मैं कितने 155 रुपीज़ में आ गया। अगर मैं ऑटो बुक करता तो 250 या 300 से ऊपर मुझे चार्ज हो जाते, क्योंकि एक ऑटो वाले से मैंने पूछा था, उसने कहा कि 300 लेंगे भाई, तो मैं बोला नहीं चाहिए, सॉरी बोला, तो वो कम कर रहा था पर इतना भी कम नहीं हो रहा था कि 250 से नीचे जाए। तो मैंने सोचा कि उबेर ही बुक कर दूँ, अभी भी मैं कल इधर जाने वाला हूँ एयरपोर्ट, तो उबेर ही बुक करके जा रहा हूँ। अगर आप दिल्ली में आओगे तो आप संडे छोड़ के आ जाना, क्योंकि मंडे भी नहीं मत आना, मंगलवार से लेकर फ्राइडे तक आ जाना, क्योंकि भीड़ कम रहेगी, आपको अच्छे से सब देखने को मिल जाएगा। बस मैंने इतना ही आपको दिखाया, क्योंकि एक ही दिन था मुझे, पर एक दिन में इतना सब हो कर सकते हैं आप। और देखो पहले तो आपने देखा ही होगा, लाइन में सीक्वेंस वाइज में गया था, उबेर बुक करके ही गया था। मतलब मेरा घूमने का खर्चा टोटली 1, 2, 3 और 4 मतलब 500 के अंदर मैं ये सब घूम के आया हूँ, उबेर बुक करके, वो भी एसी में, ऑटो में तो एसी नहीं रहता है, तो ये फ़र्क है। आप आराम से जाके दिन भर, अभी मैं 2 बजे निकला था, 4 घंटे में मेरा सब घूम के हो गया। तो आप ऐसे कर सकते हो। और इधर पहाड़गंज में आपको 1000 रुपये तक होटल बुकिंग मिल जाएगा। ये इतना है कि होटल में रहेंगे तो होटल में मत खाना, स्ट्रीट फूड खाना, बहुत अच्छा बनता है, क्वालिटी भी अच्छी रहती है। मैंने तो स्ट्रीट फूड ही ट्राई किया है, अभी खाना नहीं खाया है, तो मैं अभी बाहर जाऊँगा, खाना खाऊँगा, उसके बाद पीस ओके। कल अभी मैं कुछ निकालूंगा नहीं ब्लॉग, क्योंकि मैंने 3 ब्लॉग ऑलरेडी निकाल लिए हैं।